बता रहा हूं उस पर ध्यान देंगे कि डायरेक्ट लाइव क्लास में आपको क्या मिलने वाला है और क्या फायदे होने वाला है। सबसे पहली बात है, डायरेक्ट लाइव क्लास में आपको क्या होगा? डायरेक्ट लाइव क्लास, इसका मीनिंग क्या है? लाइव क्लास तो आपसे सुना होगा, लेकिन डायरेक्ट शब्द का क्या मतलब है? डायरेक्ट लाइव क्लास का मतलब होता है कि जो बच्चे हमारे साथ यहां पर पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, उन बच्चों के साथ आपको पढ़ाई मिलने वाली है। पूरी की पूरी पढ़ाई आपको यहां से मिलने वाली। कल से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 मार्च से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है और साल भर हमारा ओपन रहेगा एडमिशन ऑनलाइन में। कहीं पर भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पूरी पढ़ाई आपको मिलने वाली है। डायरेक्ट का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट के साथ जो क्लास है, उसी क्लास को आपको लाइव मिलने वाला है। ये क्लास जो है वो मिलेगा सुबह 6:30 to 7:30 को। ये क्लास आपको मॉर्निंग क्यों दी जा रही है, इसके पीछे कारण है। कुछ बच्चों के स्कूल जो है आफ्टरनून होता है, तो मॉर्निंग हमारे क्लास में बैठ सकते हैं। जो बच्चे सुबह खाली रहते हैं 6:30 to 7:30 टाइम पे, वो बच्चे मॉर्निंग देख सकते हैं, और जो बच्चे इस टाइम खाली नहीं है वो बाद में देख सकते हैं। हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि जब भी आप पढ़ेंगे आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, जैसा कि आप हमारे वीडियोस देखने के बाद आपने देखा होगा। अगर कहीं पर भी किसी को डाउट होता है, हम आपको उस दिन बता देंगे उस वीडियो में कि हम शाम को आपके लिए आने वाले हैं। रात को 9 PM के आसपास मैं लूंगा रात में आपके साथ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सब सारे बच्चों को यह क्लास मिल जाएगी। तो आपको इवनिंग लेंगे तो दिन भर अगर जो बच्चे ने देख लिया हो उसके पास क्या रहेगा। सो आज की क्लास आज ही मिलनी चाहिए, वो बेस्ट रहता है। तो वो इसीलिए हमने मॉर्निंग रखा है, और कोई अलग प्लान बनती है तो मैं हम आगे आपको बता देंगे। दूसरा ये होगा कि इस लाइव क्लास में क्लास तो मिल रही है पूरा, साथ में आपको एक फ्री में एक बुक प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर है, यानी कि गाइड की तरह है, एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन है। फ्री में बुक दिया जाएगा, आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। दूसरी बात होगी, इसमें नोट्स मिलेगा, और नोट्स जो है वो 2 टाइप का होगा। एक है आपको हैंडरिटन नोट्स, और दूसरा है प्रिंटेड नोट्स। तीसरी जो बातें हैं इस नोट्स में, ये बात हुई। और नोट्स के साथ और स्पेशल नोट्स क्या होगा? स्पेशल नोट्स में भी आपको मिलेगा, इसमें है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, क्वेश्चन बैंक का ये सबका आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ये दोनों का आपको पीडीएफ ही मिलेगा ना, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ मिलेगा। क्वेश्चन बैंक, गाइड, कुछ और भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, गाइड, और आपको क्वेश्चन सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट देंगे। और इसमें दोनों तरह का रहेगा, एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इस तरह से ये भी रहेगा। साथ में आपको यहां पर एक चीज मिलने वाला है, आपको वीकली टेस्ट मिलने वाला है, और इस टेस्ट को आप ऑनलाइन करने वाले हैं। ठीक है, जब थ्योरिटिकल रहेगा तो आपको बताया जाएगा कि इस नंबर पे अपना क्वेश्चन आंसर लिख करके हमें सेंड कर दें, हम एक बार देखेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपने यहां पर गलती किए हैं और इसको सुधार लें। तो इस तरह से आप सबको यही याद रखना है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं, जो कि एक ट्यूशन सेंटर में ये चीज मिलती होगी आपके यहां, हो सकता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो पढ़ाई आपको यहां पर मैं देने वाला हूं, एक तो बहुत कम फीस में हो जाएगा, बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी तरह से भी, तो वो हमें शेयर कर सकते हैं अपने नंबर पर भी, और आज ज्वाइनिंग कर लो, क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज मिलने वाला है, 25% का ऑफर मिलने वाला है, ऑफ मिलने वाला है। ये बड़ा ऑफर है, और कल से ये ऑफर नहीं मिल पाएगा इस तरह का, तो आप देख लें। फरवरी बस का था ये ऑफर, और उसके बाद आप उसमें टोटल एनरोल करेंगे जितने भी उसके फीस होंगे। तो बढ़िया, अच्छा तरीका है, आप इस चीज में करें और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, इसी ही बात बोलेंगे। यानी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे इस साल, केमिस्ट्री आपका जबरदस्त हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और हम आपको दावा करते हैं कि आप 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा तो कम से कम आप 69 तो लाएंगे। लेकिन हमारी पढ़ाई जो होगी इस 70 के लिए नहीं होगा, हमारी पढ़ाई तो 80 के लिए होगा। मतलब ये समझ लो कि आप जो पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे कि तो इतना गढ़ोगे कि आप
ट्वेल्थ इलेवंथ की जो बच्चे इलेवंथ में नहीं आ पाए थे, एक बात बड़ी बात कहना चाहूंगा, जो बच्चे इलेवंथ में नहीं पढ़ पाए थे, जिसका इलेवंथ खराब हो चुका था, उनको भी एक मौका मिल रहा है कि वो ट्वेल्थ में ही अपने आप को प्रोग्रेस कर लें। जिन बच्चों को प्रॉब्लम था, बेसिक तौर पे प्रॉब्लम है, वो बेसिक वाले प्रॉब्लम वाले बच्चे भी मेरे क्लास में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं ट्वेल्थ की क्लास को। क्योंकि जब ट्वेल्थ में पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं कि यार पढ़ाना ही है, ट्वेल्थ का कोर्स पूरा करना, मेरा उद्देश्य कोर्स पूरा नहीं करना, मेरा उद्देश्य है बच्चे को तैयार करना है एक लेवल तक, और वो बच्चा बेहतर से बेहतर सक्सेस हासिल करे और आगे जाकर के कम से कम यार मेरा नाम तो ले कि विक्रम सर ने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाए थे और मैं आज एकदम बेहतर स्थिति में हूं, ये कहने की उसमें हिम्मत आए और मुझे एक क्या मिले, ब्लेस मिले, एक तरह का मुझे वो क्रेडिट मिले। और मैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए एक छोटा सा पक्ष बनना चाहता हूं, एक पार्ट बनना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। याद रखें, हम आपसे सिर्फ गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं और गुरु दक्षिणा जरूरी है, क्योंकि गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो आप ना पढ़ पाओगे ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, समझ रहे ना। ये बहुत बड़ी ताकत होती है एक दूसरे को बांधने के लिए, यही बंधन है। क्योंकि आपके बीच और मेरे बीच में एक बंधन कैसे आएगा, आपके यहां पंडित आता है, आपके यहां पूजा करके जाता है तो थोड़ा सा तो गुरु दक्षिणा देते हो, तो वैसे ही एक दक्षिणा जो होती है ना लोगों को बांधता है। भगवान के मंदिर में जाते हो तो थोड़ा दक्षिणा चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो, क्योंकि उनके साथ आप बाइंडिंग करना चाहते हो, बंधना चाहते हो, फ्री में ऐसे नहीं आ जाते हो। तो हर जगह पे दक्षिणा की जरूरत पड़ती है, वही दक्षिणा है या और कुछ नहीं है। और साथ में इलेवंथ अगर आप नहीं है तो आपको पूरी तरह से बेसिक तौर पर आपको तैयार करके आपको ट्वेल्थ की क्लास के लिए बेहतर बना दिया जाता है, ट्वेल्थ में बेहतर आप बन जाएंगे, यही बनाने की हमारी पूरी कोशिश है। इसीलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। हमें पता है कि हम जितनी मेहनत करने वाले हैं, हमें कितनी मेहनत लगने वाली है, कितनी एनर्जी लगने वाला है, कितना ताकत लगने वाला है, हमारा दिन रात की चैन खत्म होने वाला है, लेकिन आपको सुकून की पढ़ाई देने वाले हैं, हल्की फुल्की पढ़ाई देने वाले हैं, बेहतर पढ़ाई देने वाले, गहरा पढ़ाई देने वाले हैं। और पूरे विश्वास के साथ पढ़िएगा, कोई शक मत करिएगा मेरी पढ़ाई में। और एनुअल एग्जाम का जब पेपर आपके सामने आएगा तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, बेहतर रिजल्ट आपके पास रहेगा, तो आपको लगेगा हाँ हमने सही किया है, और बिल्कुल सही करेंगे। आप देखते जाइएगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को आपको याद करना है, किस चीज को रटना है, किस चीज को समझना है, किस चीज को सीखना है, बहुत जरूरी है। अब फाइनल बोलूंगा, किसी चीज को पढ़ाते समय हम बोलते हैं कि समझा रहे हैं, मैं बोलता हूं कि मैं आपको सिखा रहा हूं। सिखाऊंगा कैसे, जब बेसिक चीजें पता रहेगी तब सीख पाओगे। और समझोगे कब, अरे यार ये ऐसा ऐसा होता है, आप समझ गए। जैसे आज पढ़ाया था वो सिर्फ समझने की चीज थी, सीखने की पारी तब आएगी ना जब उसके बेस को पता होगा, बेस के बारे में पता होगा, तब समझोगे ना, सीखोगे ना, तो सीखने पर क्या होगा, नया चीज बना पाओगे। और रटने पर और समझने पर आप कहीं ना कहीं उसी जगह पर रह जाओगे। इसलिए कहते हैं कि समझ जाना, मैं खाना बनाना समझता हूं कि कैसे बनता है, लेकिन सीखने पर आप खाना बना लोगे, समझने पर नहीं। समझने पर अभी भी जाके जाओगे बोले चावल गीला हो जाएगा, रोटी इधर उधर अपने क्या बोलते हैं नक्शे बना लेंगे, ठीक है, सब्जी या तो पतली हो जाएगी या सब्जी कैसी हो जाएगी पता नहीं, उसका स्वाद तो बिगड़ ही जाएगा। तो कहानी वही है कि सीखना जरूरी है, सीखोगे तो कर पाओगे, रटोगे तो एक समय तक ठीक है, उसके बाद वो काम नहीं आता है। और रटना भी है, ऐसा नहीं कि रटेंगे नहीं तो काम चल जाएगा, रटना भी होता है, समझना भी होता है, सीखना भी होता है, जिसमें सबसे बेस्ट है सीख जाएं तो सब कुछ समझ में आने लग जाएगी, सब कुछ रटा जाएगा। तो हम आपको कहते हैं कि 25% का ऑफर है, उस ऑफर की तरफ आप जाइए। और आज आपको यह सब मिलने वाला है, डायरेक्ट लाइव क्लास, डायरेक्ट वर्ड मैंने लगाए हैं, लाइव क्लास तो सब लिखते हैं, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा है कि मेरे स्टूडेंट के साथ आप पढ़ाई करोगे, मेरे क्लासरूम के साथ पढ़ाई करोगे आप। दूसरी बात, टाइमिंग वगैरह भी है, फ्री बुक आपको एक भेजा जाएगा आपके एड्रेस पर, इसलिए आपसे जब आप इनरोल करोगे तो आपसे मांगा जाएगा, आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, अपने गांव का नाम, अपने थाना का नाम, अपने जिला का नाम और अपने स्टेट का नाम लिखोगे और लास्ट में पिन कोड लिखोगे। आपको पता है ये एड्रेस लिखना पड़ेगा। फिलहाल नोट्स में आपको क्या देने वाला, हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं, प्रिंटेड नोट्स देने वाला हूं, और स्पेशल नोट्स में क्या देने वाला हूं, क्वेश्चन बैंक देने वाला हूं, गाइड देने वाला हूं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट देने वाला हूं। ये सब पीडीएफ में आएगा और ये तो बुक आएगा, आपका हार्ड कॉपी आएगा आपके पास, और आपको वीकली टेस्ट देने वाला हूं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, यही मैं आपको कहूंगा, और इसके लिए आप इनरोल कर लीजिए। हमारा क्लास
स्टार्ट हो रहा है, हो गया है, आप इनरोल कर जाइए। ऑनलाइन के लिए किसी तरह की कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी आप इनरोल हो सकते हैं। आज नहीं तो एक महीने बाद होंगे, लेकिन एक महीने बाद भी होंगे। आपको छूटेगा कुछ नहीं, सब पढ़ाई होगा, सारी चीज पढ़ाई होगी, लेकिन आपका लॉस ये है कि आप अपनी टाइम खो चुके हो। हम तो शुरू से ही पढ़ाएंगे, जब भी आप इनरोल करोगे, आप जुलाई में करोगे तो भी आपको यहीं से पढ़ाई करना है, जो हमने पढ़ा दिए वहीं से पढ़ना है, आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन की पढ़ाई बेहतर होती है। जैसे किसी ट्यूशन में जाते हो, एक महीने बाद ले एडमिशन लेते हो, तो क्या वो पहले दो चार चैप्टर पढ़ा चुके हैं वो आपको पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा पाते हैं, वो छूट जाता है, तो आप वहां पर वीक हो जाते हैं। आप कितनों भी मेहनत करेंगे वीक पड़ जाते हैं। तो हमारी जो कोचिंग सेंटर है या हमारी जो ऑनलाइन पढ़ाई है, वो ऐसा होता है कि अगर दो महीने भी लेट में ज्वाइनिंग लेते हो तो भी वो जो चीजें हमने शुरू में पढ़ाया था वो भी आपके सामने पैकेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, आपके लिए फायदेमंद होता है। यही तो है पढ़ाई, यही तो है अच्छी पढ़ाई। तो आपको ये बातें समझना है और पूरी कोशिश करना है कि इनरोल होइए, अपने पेरेंट्स को बताइए और अपने पेरेंट्स को सामने बिठाइए हमारी क्लास में और बोलिए कि सर इस तरह पढ़ाते हैं। और हमारी क्लासेस आप देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहतर तरह से सीख रहे हैं, आप पीरियड टेबल अच्छे से याद हो गया है, आप फॉर्मूला मेकिंग कर रहे हैं, आप रिएक्शन बनाना सीख जा रहे हैं, आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जा रहे हैं, आपको थ्योरी समझ में आने लगी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है, आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करने लगे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो सब कुछ क्लियर हो गया है। ओके, तो सारे बच्चे जिनको लगता है कि उनको क्लास में सीखना है सिर्फ विक्रम हैब केमिस्ट्री या विक्रम सिंह चैनल ऐसा है जिसमें वो केमिस्ट्री सीख सकते हैं बेहतर तरह से, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए उनके, और कहना है कि अगर पढ़ना है तो लाइन से पढ़ो, बीच बीच का मत पढ़ो। आप चैनल खोलो, चैनल खोलोगे क्लास 11th वाले हो तो 11th खोलो, 12th वाले तो 12th खोलो, और वहां पर जाकर के आप देखो कि क्या आपको मिलेगी, वहां पर आप जाके देखो कि आपको क्या मिलेगी। मैंने कहा अगर आप YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो भी, अगर क्लास 11th के हैं या 12th के हैं, तो आप एक काम करो कि मेरे चैनल में जाओ, होम पेज खोलो और वहां पर मिलेगा क्लास 11th, क्लास 12th। अगर 11th वाले हो तो 11th खोलो, और उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज। सबसे पहले शुरू में लिखा हुआ है प्री बेसिक केमिस्ट्री, उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लिखा हुआ है। तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है ऐसे मत पढ़ो, आप सबसे पहले जिस टाइम पे अभी हो आप सबसे पहला काम करो कि प्री बेसिक केमिस्ट्री को पहले पूरा कर लो, उसके बाद चैप्टर 1 में जाओ, चैप्टर 1 को लाइन से पढ़ो, एक एक वीडियोस को देखते जाओ लाइन से। एक दिन में एक वीडियो देखो, दो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो देखो, कॉपी में लिखो जो मैं पढ़ा रहा हूं, आपके पास बुक है उसे खोलो, उसमें से भी करो। इतने सारे काम करने के बाद फाइनल आपको विश्वास हो जाएगा कि आप बेस्ट पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपने स्कूल में टॉप कर रहे हैं। लेकिन आप इतना भी याद रखना कि आपकी ईमानदारी खुद पे होनी जरूरी है। यदि आप ईमानदार नहीं है पढ़ाई करने में, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप भटकते रहेंगे इस चैनल से उस चैनल में, उस चैनल से उस चैनल में। और वीडियो देखने का जो तरीका है, सही तरीका वो है कि लाइन से देखना। मैं बार बार बोलता हूं 1, 2, 3, 4 हर वीडियो में लिखा हुआ है, फर्स्ट वीडियो कौन से देखें, सेकंड कौन से देखें, हमने लिखा है, अरेंज करा है। कहीं पर हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन 9 से उसमें अरेंज है, तो वीडियो अरेंज है, अरेंज वीडियो के बेस पर आप देखते जाओ। हमने कुछ ऐसी टॉपिक को जो बुक में उस चैप्टर में बाद में आते हैं उसे भी पहले रखे हैं, इसका मतलब है उसे ही वहीं से स्टार्ट करो, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, बड़ी बड़ी टॉपिक, प्रॉब्लम वाली टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप बेस्ट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ये जानिए, और अच्छे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ये जानिए, और सिखाने वाले चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ये जानिए। बस विक्रम हैब केमिस्ट्री यानी कि विक्रम सिंह चैनल के साथ जुड़िए, बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट पाएंगे, हम यही कहेंगे। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होगा। नमस्कार, धन्यवाद।